नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 24 मार्च 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज, पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड 2019-2021 बैच की लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। डीएलएड प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट 2022 की अपडेट को देखेंगे। नई शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट है, उस अपडेट को भी हम पहले आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी वैकेंसी है, 40,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी है। ठीक है, क्या आपको मौका मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ये अपडेट दोस्तों आ रही है बिहार से। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों योग्यता जो मांगी गई है, मतलब कि जो बच्चे डीएलएड किए हैं या बीएड किए हैं, उन बच्चों को मौका मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगली अपडेट में बात करेंगे कोरोना के मामले, डीएलएड परीक्षा की डेट शीट, कोई भी अपडेट आज आपसे इस वीडियो में छूटेगी नहीं। बाकी दोस्तों हमारा यूपी टेट का रिजल्ट, अगर आपको यूपी टेट का रिजल्ट डाउनलोड करना है तो हमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जहां से आप अपना यूपी टेट का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले कुछ बड़ी अपडेट यहाँ पर देख लीजिए। अफवाह फैलाने वाले होंगे दंडित, मुख्य सचिव दोस्तों कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज से बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है, तो यहाँ पर आपको पता है कि काफी बच्चे अफवाह फैलाते हैं कि पेपर आउट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एक और अपडेट देखेंगे, एआरओ और आरओ परीक्षा में अनियमितता के आरोप में एचके दाखिल, ये अपडेट किसको देखेंगे। उसके बाद दोस्तों एक बात और, जो बच्चे यूपी टेट की परीक्षा पास करेंगे तो यूपी टेट का प्रमाण पत्र जीवन भर के लिए मान्य होगा। और आपको बता दें, जो बच्चे सीटेट की परीक्षा पास कर लिए, उसके लिए भी दोस्तों लाइफ टाइम वैलिडिटी है। तो सीटेट हो या यूपी टेट पास कर लिए, तो भैया छुट्टी हो गई। उसके बाद आप देख सकते हैं किस दिन यूपी टेट का रिजल्ट जारी होगा, उस अपडेट को देखेंगे। लेकिन एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई, बीएससी डीएलएड छात्राओं ने किया समलैंगिक विवाह। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डीएलएड छात्राओं का नाम है। तो भैया क्या अपडेट क्या है, इस अपडेट को भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आई, पंजाब में, पंजाब में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री का तोहफा, 35,000 संविदा कर्मचारियों की नौकरी होगी पक्की, साथ ही दोस्तों 1 महीने में होगी 25,000 भर्तियां। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भैया पंजाब में नई सरकार बनी तो कितनी बड़ी खुशखबरी देखने को मिली। क्या योगी जी ऐसा करेंगे, आपको लगता है करेंगे, शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर देंगे? और दोस्तों जितने लोग मतलब संविदा पर नौकरी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या उनको परमानेंट किया जाएगा, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। चलिए क्या करके अपडेट को देखेंगे, डीएलएड स्कूटी रिजल्ट से लेकर कैसे इसको डाउनलोड करना है, फेल छात्रों के लिए क्या बड़ी खबर है। देखिए फेल छात्रों के लिए सबसे बड़ी खबर ये है ना, कि जब भी नई भर्ती आती है उत्तर प्रदेश में, आपको बता दें 17,000 पदों पर नई भर्ती की बात हो रही है, तो नई भर्ती में सिर्फ उन छात्रों को मौका मिलता है जिन बच्चों का डीएलएड का कोर्स कंप्लीट होता है। कहने का मतलब ये कि पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा, चौथा सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। भले ऑनलाइन वाला हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके मान लेते कि थर्ड या फोर्थ में मान लेते एक विषय में बैक लगी है, जब तक दोस्त आप उस बैक को क्लियर नहीं कर लेंगे, जैसे सुपर टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो जिस दिन अंतिम डेट होगी आवेदन की, अगर उस डेट तक अगर आपका स्कूटनी का रिजल्ट या आपका बैक परीक्षा का रिजल्ट या आप दोस्तों बैक क्लियर नहीं होती उस दिन तक, तब फिर आपको नई भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। तो जब दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपके बैक लगी तो बैक परीक्षा कराना चाहिए पीएनपी को। तो आपको बता दें, आपने पीएनपी के भैया जो वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, उसको आपने सुना होगा, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सचिव जी से आप उम्मीद कुछ कर ही नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये बोलते हैं कि 2019 बैच का हमारा बैच कंप्लीट हो गया 2019 का, लेकिन ये नहीं कह रहे कि उसके बाद इन्होंने कितनी बार बैक परीक्षा कराई। मतलब इनकी हद तब हो गई दोस्तों, जब फरवरी में जब ये डेट शीट जारी करते हैं, उसको मतलब परीक्षा की डेट को टाल दिया गया। फिर हुआ कि मार्च में पेपर हो जाएगा, तो यूपी बोर्ड का आज से पेपर शुरू हो रहा है। तो दोस्तों बस कहने का मतलब ये है कि क्या डीएलएड की परीक्षा अपने मन से नहीं हो सकती, अपने समय से नहीं हो सकती? मतलब क्या हमें हर बार इंतजार करना पड़ेगा कि भैया यूपी बोर्ड का पेपर खत्म हो जाए तब हमारा पेपर होगा? अगर सचिव जी चाहते तो डेफिनेटली दोस्तों जो हमारा डीएलएड का सेंटर था दूसरे प्राइवेट कॉलेज में, डीएलएड के ही दोस्तों बीटीसी के दूसरे प्राइवेट कॉलेज में सेंटर भेजकर परीक्षा करा सकते थे। ठीक है, बाकी होगा कि वहां नकल कर लेंगे बच्चे, कैसे नकल कर लेंगे, और पेपर दोस्तों वहां पर हो जाता है तब बच्चे नकल नहीं करते, सिर्फ क्या इसी पेपर में नकल करेंगे, उनकी मान्यता रद्द कर दीजिए अगर वहां पर नकल कराते हैं तो। लेकिन कहने के दोस्तों कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए क्या करके अपडेट को पहले देखते हैं, पंजाब की जो बड़ी खुशखबरी है कि पंजाब में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान एक के बाद एक करके कई बड़े फैसले ले कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को ऐलान किया कि पंजाब में 35,000 संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। पंजाब में आपको मिली प्रचंड जीत के बाद भगवंत मान ने 16 मार्च को सीएम पद की शपथ ली थी। इसके बाद से दोस्त इन्होंने ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं।
पंजाब में एक महीने में होंगी 25,000 भर्तियां। भगवंत मान ने पंजाब में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बैठक में सरकारी विभाग में रिक्त 25,000 पदों पर भर्तियां निकालने का ऐलान किया था। भगवंत मान के मुताबिक इन भर्तियों में पुलिस महकमे के लिए 10,000 भर्ती हैं, ठीक है, ये पुलिस है दोस्त, तो यहाँ पर लिस्ट लिख गया, जबकि 15,000 अलग अलग विभाग के लिए होंगे। एक महीने के अंदर खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक और दोस्त आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, सोचिए अभी तक उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण नहीं हुआ, पंजाब में ताबड़तोड़ फैसले चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में काम कितना स्लो चल रहा है, समझिए इन सब बातों को। उसके बाद इस अपडेट को जरा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डीएलएड का नाम है। साथ जीने मरने की कस्में खाकर बीएससी व डीएलएड छात्राओं ने घर से भागकर दिल्ली में समलैंगिक विवाह कर लिया। स्वजन के गुमशुदगी दर्ज कराने पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने दोनों को गोमती नगर लखनऊ से बरामद किया। दोनों ने आर्य समाज मंदिर से शादी करने का प्रमाण पत्र दिखाया। बिसंडर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी 21 वर्षीय छात्र डीएलएड की पढ़ाई कर रही है, वही से उसी के हम उम्र सहेली बीएससी कर रही है। दोनों करीब 4 वर्ष से परिचित हैं। दोनों की दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई और होलिका दहन की रात 17 मार्च को अपने अपने घरों से बिना बताए निकल गई। उन्होंने दोस्तों दिल्ली जाकर आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। 18 मार्च की सुबह बेटी के नाम मिलने पर डीएलएड छात्र के शिक्षक माता पिता ने थाने में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। एसओजी को ढूंढने में लगाया गया। एसओजी ने मोबाइल नंबर ट्रेस किया तो लोकेशन गोमती नगर लखनऊ में मिली। एसओजी व पुलिस टीम ने मंगलवार रात वहां दबिश दी। दोनों किराए के कमरे में मिली थी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये जो बड़ी खबर है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है, तो ये हो रहा है। उसके बाद अगली अपडेट में बात करेंगे यूपी टेट रिजल्ट को लेकर क्या खबर है। पहले दोस्तों देखते हैं नई भर्ती को लेकर क्या खबर है, क्योंकि नए शिक्षक भर्ती में आप चाहते होंगे कि आपको भी मौका मिले। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अनारक्षित वर्ग कौन कितना पदों पर सीट है, 16,000 से ज्यादा पद है। आर्थिक रूप से कमजोर दोस्त, यही होता है हमारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, इनके लिए 204,000 से ज्यादा सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति मतलब एससी कैटेगरी 6,477, अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी आ गया दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग 7,290, पिछड़ा वर्ग 4,861, ठीक है, पिछड़े वर्ग की महिलाएं कितनी है दोस्तों 1,210, टोटल पद यहां पर ये बन रहा है। तो ये दोस्तों बड़ी खबर है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगा, एक बात और, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं। तो आपको दोस्तों बता दें, 28 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि है 22 अप्रैल 2022। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों हम लिंक दे देंगे जहां पर आप इस शिक्षक भर्ती की पूरी अपडेट पा सकते हैं और इस नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कि पेमेंट क्या क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी अपडेट्स, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल परीक्षा की तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से करिए। कोरोना मामलों की बात करें तो 24 घंटे में हमारे देश में 1,714 नए मामले और 67 लोगों की जान गई है। ये दोस्तों डीएलएड परीक्षा की डेट शीट आप देख लीजिए, सीरियल कुछ ऐसा ही होगा। देखिए पढ़ने का तरीका दोस्तों अगर आपका ठीक होगा तो डेफिनेटली आप परीक्षा को पास करेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में आप सभी छात्रों के लिए लिंक दिया है, जो भी अपडेट आएगी देखिए अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तैयारी में आप लोग लगे रहिएगा, ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।